नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस टुडे न्यूज पर। मैं आपका नौचल रंजिंग आज आप सभी को जयरामपुर लेके आए हुए हैं। तो जयरामपुर आज यहाँ पे एक हमारे टेंथ असम राइफल की तरफ से एक टूर रखा गया, नेशनल इंटीग्रेशन टूर, जो कि हमारे यहाँ के जो लोकल यूथ्स हैं, यहाँ के जितने भी स्कूल्स के लोकल यूथ्स हैं, उन सभी को जो है टूर में लेके गया। मैं आप सभी को बता दूँ, जैसे कि जयरामपुर टू कोलकाता टूर करने के लिए यहाँ के बच्चों को जो है हमारे टेंथ असम राइफल की तरफ से लेके गया था। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला। तो मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे असम राइफल की तरफ से और बहुत सारे जो है प्रोग्राम किए जाते हैं, एक्टिविटीज किए जाता है हमारे यहाँ के लोकल यूथ्स और लोकल जो यहाँ के लोग हैं उन सभी के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज और प्रोग्राम जो है लगातार करते आ रहे हैं और किए जाते हैं। तो हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन टूर जो है वो किस तरह से कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है और वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ जाके जो है क्या क्या सीखने को मिला। तो इस खबर को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस टुडे न्यूज नवचल रंजिंग के साथ। हर दिन के टूर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामपुंग के 9th एवं 11th क्लास के 20 स्टूडेंट्स तथा दो टीचर्स शामिल हुए, जिसका फ्लैग ऑफ 5 दिसंबर को जयरामपुर से करवाया गया। उसी दिन नेशनल इंटीग्रेशन टूर असम राइफल डॉग ट्रेनिंग सेंटर जोराट पहुंचा एवं सभी को डॉग शो से आनंदित करवाया गया। So wish you everybody all the very best. It's a festive season coming now, Christmas coming. So wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. And wish you all the very best in your future. Thank you. Jai Hind. सिर्फ integration tour नहीं है, बल्कि ये educational tour भी है. Like educational tour. ऐसे टीचर ने भी हमने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली ना, वहाँ पे जिस तरह से म्यूजियम में हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है वो काफी इंटरेस्टिंग था, काफी मोटिवेटिंग एंड लाइक हिस्ट्री को और अच्छा से जानने का मौका मिला है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और वहाँ पे आप लोग साइंस म्यूजियम गए, काजीरंगा गए और हमारे जो ईस्टर्न कमांडेंट जो राणा प्रताप कलिता सर से मिले, वहाँ से क्या सीखा आपने वहाँ पे जाके और वहाँ पे क्या था एनवायरमेंट? इन्वायरमेंट लेफ्टिनेंट जनरल का जो ईस्टर्न कमांड ऑफिस जो हम लोग गए थे वहाँ पे एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू से कि जो उन लोग का जो लाइफ है और हम लोग का लाइफ जो है काफी अलग है, देखने को मिला। लाइक जिस तरह से लाइक वो लोग रहते हैं, हम लोग कॉमन ना कॉमन आदमी हम लोग वैसे नहीं रहते, वो देखने को मिला है लाइक टोटली अलग दुनिया। और आपको मालूम होगा कि समय टाइमिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइमिंग है वहाँ पे, जो आप डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन टाइमिंग है। जैसे कि आर्मी में जो टाइमिंग रहता है वो आप लोग उधर भी टाइमिंग का जो था वहाँ पे भी था। हाँ, डिसिप्लिन लाइक टाइमिंग डिसिप्लिन वो सिर्फ आर्मी फोर्सेस में होता है, क्योंकि इवन वी टीचर्स आल्सो फॉलो, इवन स्टूडेंट्स आल्सो हैव टू फॉलो टाइम वगैरह, सो डिसिप्लिन तो हर चीज में होता है। वो इतना लाइक बहुत अलग है बोलते नहीं था, आई वुड लाइक टू से, क्योंकि हम लोग भी डिसिप्लिन से ही चलते हैं ना, वही है कि थोड़ा सा अलग है। आप लोग का जल्दी जल्दी करो वैसा होते हैं, हम लोग का टाइमिंग होने से भी थोड़ा लाइक वी टेक थोड़ा सा आराम से हम लोग करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। यहाँ पे ये चीज देखने को जल्दी जल्दी करो, अभी लाइक अभी कुछ नहीं बोलते हैं, फिर लास्ट मोमेंट में बता देते हैं, वो एक थोड़ा सा लाइक न्यू एक्सपीरियंस है हम लोग। अच्छा, और मैं बताता हूँ कि ये जो जयरामपुर में जो आपके अरुणाचल में है, जो ईस्टर्न कमांडर जो राणा प्रताप कलिता सर को आपने कुछ बताया होगा कि जयरामपुर कहाँ पे स्थित है और कहाँ में इंटरेक्शन उनका साथ काफी अच्छा रहा। अच्छा। है तो उन्होंने पूछा नाम कहाँ है कहाँ, तो हम लोग ने ये बताया अपना नाम बताया, कहाँ से आए हैं, कौन से स्कूल से है, कौन से क्लास के है, सब बताए है। एंड वही उन्होंने भी बुसअप किया कि हाँ हम लोग ने बहुत लाइक फार इंटीरियर से आया है, काफी अच्छा लगा है हम लोग से मिलके, पढ़ाई अच्छा से करने को मोटिवेट किया है स्टूडेंट्स लोग को, काफी अच्छा था। He was a very humble person, I would say. और बाद लास्ट क्या बोलना चाहते हैं असम राइफल? असम राइफल को बस यही कहना चाहूंगी कि धन्यवाद ना, थैंक यू। अगर शायद 10 असम राइफल ऑर्गेनाइज नहीं करता
तो शायद क्या पता हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलता, स्पेशली द स्टूडेंट्स जो बाहर में गया, घर सीखने को मिला, देखा जी, ना जी। भाई उसके लिए थैंक यू ही कहूँगी। तो सबसे पहले ब्रदर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम सिपकुल लुंगफी है। तो सर जैसे कि यहाँ से जरमपुर से कोलकाता आपको टूर इंटीग्रेशन टूर में लेके गया थे असम में, तो यहाँ से वहाँ का जर्नी आपको कैसा लगा? हाँ सर यहाँ से वहाँ तक जर्नी तो अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ कि आगे और ऐसा इंटीग्रेशन टूर होता रहे, हमें बहुत कुछ सीखने मिला था। तो जैसे हमारे टीसीएल रीजन जो है एक बहुत डिस्टर्ब एरिया है, हर किसी को पता है। हाँ सर, तो अगर ऐसा ही हमारे जो असम रेफर हो या इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसा प्रोग्राम अगर किया जाएगा तो सोसाइटी के लिए लाभ है, या आपकी तरफ से क्या कहना चाहिए? हाँ सर लाभ तो बहुत है सर, और ऐसा अपॉर्चुनिटी लाते रहने हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, आगे हम लोग ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसा हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा सर इसके लिए सर। तो जैसे आपने टूर में बहुत सारे जगह में विजिट किया होगा, तो स्पेशली आप आर्मी को लेके आपके मन में क्या ख्याल आया है, क्या विचार आया है, मतलब क्या सोच निकला है आपके मन से? हाँ सर डिसिप्लिन है और खाना पीना टाइमिंग, हाँ सर वो है। अच्छा अच्छा, तो आगे जाके आप अपने यूथ को या आप खुद को आर्मी के तौर पे देखना चाहेंगे? जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच।